काम के लिए भगवान ने हमारे साहिब गोंडा के लोगों को चुना है, हमारे देवी पाटन मंडल को चुना है, हमी लोगों को चुना है। और इसलिए मेरे भाइयों, ने मेरी रैली नहीं है। अगर गंभीरता तक सोचोगे तो सबकी इज्जत कर लेने है। जब चाहे जो जिसके ऊपर लिखा है। चलो सफाई दे चलो। और नाबालिग में तो ये कानून है कि अगर कोई नाबालिग आपके ऊपर मुकदमा लिखाती है और शायद इसको ना लिखना चाहे या ना लिखे तो एक मुंजिम वो एसओ भी होगा, इंस्पेक्टर भी होगा। और इसने मुकदमा लिखते ही पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी नाबालिग ने मुकदमा लिखा दिया तो कानून ये कहता है कि सबसे पहले आपको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए, तब विवेचना शुरू की जाए, तब विवेचना शुरू की जाए। यानी सबसे पहले आपका अरेस्ट। तमाम आर्टिकल आते हैं, तमाम बातें आप लोग सुनते रहते होंगे। देखिए, तो मुझे लगता है कि जैसे मंथरा में कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे दिनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बन करके आए। ये मेरे लिए मंथरा बन करके आई। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार तीन पति तीन पत्नी, तीन पति तीन पत्नी, सातवां कोई नहीं है। लेकिन जैसे आज हम मंथरा को धन्यवाद देते हैं, कैकेयी को धन्यवाद देते हैं, वैसे हम कुछ दिन के बाद दिनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे, जब उसका पूरा का पूरा परिणाम आ जाएगा। तो मेरे भाइयों, मंच पर बैठे हुए सारे प्रमुख जिला पंचायत सदस्य, मेरी बात को गंभीरता से लीजिए, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है और ये केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। आप अगर सोचो मानो तो आपकी लड़ाई है, आपके बाल बच्चों की भविष्य की लड़ाई है। मुझे याद आता है एक हरियाणा से महिला पहलवान ने, एक महिला ने हमको फोन किया। उसने कहा कि मैं टीवी के सामने अपनी कुछ बात रखना चाहती हूँ, मीडिया के सामने कुछ बात रखना चाहती हूँ, लेकिन कोई मीडिया वाला आ नहीं रहा है। हमने कहा चलिए व्यवस्था करता हूँ। और मीडिया वाले जब उस महिला उस महिला के पास पहुंचे तो उसने कहा मैं अपने बच्चे को आईएएस की तैयारी करा रहा हूँ, करियर करा रही हूँ, मैं अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहती हूँ। कोई भी आकर के मेरे इस बच्चे की जिंदगी खराब कर सकता है। ऐसे आप अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं, कोई भी एक छोटा मामला लेकर के आ जाए तो आपके बच्चे की जिंदगी खराब कर सकता है, आपके सपनों पर पानी फेर सकता है। इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे भी नहीं, लेकिन संत बोलेंगे। और इस देश में जब जब कोई ऐसी विषम परिस्थिति आई है तब तक हमारे संत महात्मा गुरु उलेमा ये लोग ही विचार विमर्श करके कोई ना कोई रास्ता दिखलाए। और ये जन चेतना रैली एक तरीके से आपस में परामर्श करना है, परामर्श विचार विमर्श। वो संत आपसे विचार विमर्श करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आपसे विचार विमर्श करेंगे और आपका समर्थन लेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे सहयोगियों, आप लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी हमारे लिए, हर संकट में आप करुणाए।
तभी आप लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमने भी आपका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन हमको लगता है कि अब हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई नहीं आने वाली है।